फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एवरग्रीन प्लांट शेयर करने वाली हूं। हमेशा हमें ये प्रॉब्लम होती है कि सीज़न वाइज हम प्लांट लगाते हैं और हर सीज़न वो प्लांट ख़त्म हो जाता है और हमें फिर से पौधा लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कुछ पौधे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे कि एक बार लगाने के बाद वो पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। सीज़न का कोई भी मार, कोई भी इफ़ेक्ट उन प्लांट में नहीं आएगा और इजीली आपका गार्डन पूरे साल आप मेंटेन करके रख सकेंगे। बार बार पौधा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसे कि हम एक बार लगा ले तो वो पूरे पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लाइक से काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलता है हमें। और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं देन इसे सब्सक्राइब भी कर ले और विथ बेल बटन, जिससे कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जब मैं शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये वॉन्डरिंग ज्यू। काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी कलरफुल दिखता है। इसमें कई वेराइटी के वॉन्डरिंग ज्यू के प्लांट भी आते हैं। तो मेरे पास ये एक है जो कि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो गर्मी में और विंटर सीज़न में इसका कलर जो है ये काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। अगर आपने इसे धूप में रखा तो ये लाल रंग का हो जाता है, इसे अगर शेड में रखा तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, इसे अगर आपने सेमी लाइट एरिया में रखा तो कुछ इस तरीके का दिखने लगता है। मैंने एक ही पौधे में कई सारे कलर डिफरेंस देखे हैं, अदरवाइज़ इसके बहुत सारे पौधे आते हैं और इसे एक बार लगाने के बाद आप देख सकते हैं पूरे साल ऐसा ही बना रहता है। अगर इन फ्यूचर कभी आपको लगे कि इसकी पौधे की ये पौधा ख़राब हो रहा है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सफलेरा। सफलेरा एक बहुत ही हार्डी और एज इट इज़ रहने वाला पौधा है, थोड़ा स्लो ग्रोइंग करता है। मेरे पास ये पौधा लगभग 5 साल से है और बहुत ही अच्छा एवरग्रीन प्लांट होता है। अगर आपको बार बार पौधे चेंज करने में परेशानी होती है या फिर पौधे लगाने के बाद पौधे की केयर करने में परेशानी होती है तो आप सफलेरा के प्लांट को ज़रूर ही लगाइए। इसमें दो तरह के प्लांट आते हैं, एक ये ग्रीन वाला और एक ये वेरीगेटेड वाला। मेरे इस पॉट में दोनों तरह के प्लांट लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हार्डी है, इजी टू ग्रो है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे कुछ कटिंग मैंने लगा के रखी है, तो जब उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी तो उसकी अपडेट मैं आगे किसी वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स आप ज़रूर ही अपने एवरग्रीन प्लांट में लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना में काफ़ी सारी वेराइटी आती है, कई सारी वेराइटी तो मेरे पास भी है, लेकिन ये जो ग्रीन वाली वेराइटी है ये टोटली एवरग्रीन है। क्योंकि ये पौधा ना ही तो सूखता है, ना ही ख़राब होता है, ना ही मरता है। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, पानी दीजिए नहीं दीजिए कई दिन तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर जाता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने एवरग्रीन प्लांट के लिस्ट में रख सकते हैं। एक बार लगाने के बाद फिर आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी इन्हीं प्लांट में से एक है जो कि एक बार लगाने के बाद फिर आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा और इस प्लांट में मौसम का कोई असर नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, एज इट इज़ ये पौधा बना हुआ रहता है। सेमी लाइट एरिया में अगर आप इसे रखते हैं तो इसका कलर भी मेंटेन रहता है, इसकी ग्रोथ भी सही रहती है और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरती से एज इट इज़ बना रहता है आपके इंडोर गार्डन में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि टोटली एवरग्रीन है। ये प्लांट हर मौसम में ऐसा ही दिखता है, ग्रोथ पीरियड में इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगती है। अदरवाइज ये पौधा ऐसा है जिसकी ना ही तो पत्तियाँ झड़ती है, ना ही पौधा खराब होता है। एक बार लगाने के बाद ये पूरे पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स क्रोटोन। क्रोटोन में कुछ वैरायटी ऐसी है जिसकी पत्तियाँ विंटर सीजन में झड़ जाती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी हार्डी है और इजी टू ग्रो भी है। ये पौधा मैंने हर साल देखा है, कई साल से मेरे पास है, लेकिन इसके पत्तियाँ जो है विंटर सीजन में नहीं झड़ती है और ये एज इट इज़ बना हुआ रहता है। तो इसे अगर सेमी लाइट एरिया में रखी जाए और विंटर सीजन में कोहरे से बचाया जाए तो ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से इसी तरह ग्रो करते रहता है और पूरे साल इसी तरह बना हुआ रहता है।
अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक एवरग्रीन प्लांट है। इसमें टॉल वेराइटी शॉर्ट वेराइटी दोनों तरह के आते हैं। तो टॉल वेराइटी आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेरे पास, और शॉर्ट वेराइटी कुछ इस तरीके से है, इसमें ग्रीन वाली भी आती है। तो ये भी एक एवरग्रीन प्लांट है। एक बार लगाने के बाद ये प्लांट हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। पानी की रिक्वायरमेंट कम रखता है। सीजन वाइज कभी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ये ऐसा ही बना रहता है। इसीलिए बहुत ही खूबसूरत सा एक इनडोर प्लांट है ये स्नेक प्लांट। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो है। मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि इसे ग्रो करना बहुत आसान है। पानी का और सनलाइट का अगर ध्यान रखा जाए तो ये पौधा इजीली ग्रो हो जाता है और पूरे साल ऐसे ही बना रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इस पौधे को आप पूरे साल कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने ही सारे पौधे मेरे पास हैं। तो एक बार ये पौधा लगाने के बाद ये पौधा पूरे पूरे साल आपके पास एज इट इज़ बना रहता है। तो इसे भी आप अपने एवरग्रीन प्लांट के लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है बेबी टीयर्स। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर का पौधा होता है। छोटे छोटे इसमें पत्तियां होती है। वैसे बेबी टीयर्स में काफी सारी वैरायटी आती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटी छोटी पत्तियों वाला है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, पूरे साल एज इट इज बना रहता है। मौसम का कोई इफेक्ट इसमें नहीं होता है, इसीलिए इस पौधे में कोई बदलाव भी आप नहीं देखेंगे। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। जड़ों के पास से नए नए पौधे बनते रहते हैं। वैसे इसके स्टेम में जहाँ जहाँ पत्तियाँ होती हैं अपोजिट साइड में रूट्स भी होते हैं, तो कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है और इजी टू ग्रो है। इंडोर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एयर प्योरीफाइंग एक इंडोर प्लांट होता है ये सिंगोनियम का प्लांट। तो इसे भी अपने एवरग्रीन प्लांट के लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है पैंडानस। ये भी एक एवरग्रीन प्लांट है। मौसम का बहुत ज़्यादा असर तो इसमें नहीं होता है। विंटर सीजन में थोड़ी इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से आपको सूखने लगेगी, दिखेगी ऐसी कि सूखने लग रही है। अदरवाइज ये पौधा बहुत ही हार्डी है, इजी टू ग्रो है और एवरग्रीन प्लांट के लिस्ट में इसे भी रख सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है मनी प्लांट। काफ़ी लोगों का कहना है कि मनी प्लांट विंटर सीजन में ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे कोहरे से बचा सके, यानी ऐसी जगह प्लेस करें जहां कि इसे पूरे दिन की ब्राइट लाइट या हल्की फुल्की सनलाइट मिले और कोहरे से आप इसे बचा ले, सीधी सीत इस पर ना पड़ने दे, तो ये पौधा एवरग्रीन ही रहता है। आप देख सकते हैं कितना ही ग्रीन दिख रहा है ये पौधा। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है और पूरे साल ऐसा ही बना रहता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है एस्परागस। एस्परागस भी एक एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल ऐसे बना रहता है। इसके जड़ों के पास से नए नए पौधे निकलते रहते हैं, इसलिए पौधा हमेशा टाइम टाइम पे घना होते जाता है। तो इसे कट करके डिवाइड करके आप बहुत सारा बना सकते हैं। बहुत ही हार्डी एवरग्रीन एक खूबसूरत सा हैंगिंग बास्केट प्लांट होता है ये। इसे चाहे तो आप पॉट में भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एवरग्रीन प्लांट में फ्रेंड्स आप पॉनीटेल पाम को भी लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा एवरग्रीन प्लांट होता है। इसको भी मौसम का कोई असर नहीं होता है और इंडोर चलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। बहुत ही हार्डी, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रखता, सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रखता और पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। थोड़ी स्लो ग्रोथ करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती इसके ट्रंक से आती है। तो जितना ही खूबसूरत इसका ट्रंक होता है उतना ही हार्डी ये प्लांट होता है। तो इसे भी एवरग्रीन प्लांट के लिस्ट में आप रख सकते हैं। एवरग्रीन प्लांट में फ्रेंड्स आप पर्पल हार्ट को भी लगा सकते हैं। ये ग्रीन प्लांट तो नहीं है, लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। मौसम का लगभग इस पर कोई असर नहीं होता है। थोड़ी बहुत पत्तियाँ अगर सूख भी जाती है तो देन इसकी ग्रोथ नहीं थमती है, इसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। तो पूरे साल अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए आप इस पौधे को, इस पर्पल हार्ट पौधे को लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पूरे साल आप अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए पत्थर चट्टा के प्लांट को भी लगा सकते हैं। ये भी एज इट इज़ पूरे साल बना हुआ रहता है, कोई बदलाव इसमें नहीं होता है, मौसम का कोई असर इसमें नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है रियो। रियो भी इसी तरीके का एक पौधा है जो कि पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। एक एवरग्रीन खूबसूरत सा पौधा है। दो कलर में ये पौधे आते हैं। एक आप ये देख सकते हैं पर्पल ग्रीन, ये देसी वेराइटी, एक वेरीगेटेड वाला आता है। तो कोई भी आप लगा लीजिए, पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स फॉक्सटेल फर्न। ये भी पूरे साल एज इट इज़ बना रहता है। मौसम का कोई असर इसमें नहीं होता है। जड़ों के पास से इसके पौधे निकलते जाते हैं।
तो टाइम टाइम पे ये पौधा घना होते जाता है, तो इस पौधे को भी आप अपने एवरग्रीन प्लांट लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक एवरग्रीन प्लांट है जो पूरे साल हमारे गार्डन में अच्छी खासी हरियाली ऐड करता है, ग्रीनरी ऐड करता है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड करिए, जो कि पूरे पूरे साल अपने गार्डन में आप इससे हरियाली ला सकते हैं और लगभग मौसम का कोई असर इसमें नहीं होता है। जो थोड़ी बहुत केयर करनी है उसका मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आप जेड प्लांट को अपने गार्डन में अगर ऐड करते हैं तो आप देखेंगे ये पूरे साल आपके गार्डन में हरियाली देगा, कभी इस पौधे में कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है पेंसिल कैक्टस। इसकी भी जो ग्रीनरी है वो ऐसी ही बनी रहती है पूरे साल, मौसम का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई असर नहीं दिखता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ पौधे हैं जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किए, जिसे लगा के आप अपने गार्डन को पूरे पूरे साल एज इट इज़ बना के रख सकते हैं। मौसम का इनमें कोई असर नहीं होता है, एक बार लगाने के बाद ये एज इट इज़ वैसे ही बने रहते हैं। इसकी ग्रोथ टाइम टाइम पे होती रहती है, सीजन वाइज इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जब इस पौधे का सीज़न नहीं होता है तब भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है, कंटिन्यू ये पौधा उसी तरीके से ग्रो करते रहता है। साल के किसी भी मौसम में आपका गार्डन उसी तरीके से हरा भरा दिखते रहेगा जैसे कि आपने बना के रखा है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।